जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जय बजरंग फुटबॉल क्लब छपराडी कुआं स्थित दुर्गा मंदिर परिसर के खेल मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसका आज आखिरी दिन था। आज का फुटबॉल मैच छपराडी कुआं और झंझारपुर के बीच खेला गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि दिलीप कुंवर, मुनमुन कुमारी वर्तमान मुखिया, हनुमान प्रसाद यादव, महेश यादव पूर्व मुखिया, जितेंद्र कुमार भारती जिला परिषद सदस्य, वीरेंद्र यादव मुखियापति दुल्लीपट्टी ने किया। मैच का आयोजन करता जय बजरंग फुटबॉल क्लब छपराडी कुआं समस्त सदस्यों के द्वारा किया गया। डोरवार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि फुल सिंह ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित किया। वहीं जिला परिषद जितेंद्र कुमार भारती ने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि खेल से शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के आयोजनों से गाँव में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलता है। खेल युवाओं को अनुशासन सिखाती है। कहा कि फुटबॉल में भी युवा वर्ग अपनी भविष्य तलाश सकते हैं, यदि सच्ची लगन और मेहनत से अपने प्रतिभाओं को जगाएं तो निश्चित रूप से ऐसे युवाओं को स्टेट खेलने का मौका मिल सकता है। फुटबॉल मैच का तीसरा सेमीफाइनल झंझारपुर और छपराडी कुआंट के बीच खेला गया, जिसमें छपराडी कुआंट की टीम एक गोल से जीत हासिल की। मौके पर मौजूद डॉक्टर संजय यादव, रामावतार पासवान, दुवेश्वर यादव, देवेंद्र कुंवर सेवानिवृत्त शिक्षक, सोहन सिंह यादव, प्रवीण शर्मा, लाल सिद्धार्थ राणा, सुंदर कुमार, रंजन कुमार, रूपेश कुमार, प्रवेश कुमार, सुमन कुमार, चंदन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। सो मतलब पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है, लेकिन फुटबॉल का क्रेज कहीं ना कहीं जो है सो मतलब बहुत ही बैकडोर पे देखा जा रहा है, इससे इसको आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो आप विद्या कर्मी को धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना समय निकाल करके यहाँ आए, टाइम दिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए फुटबॉल हम लोगों का यह बहुत पुराना खेल है, बहुत पूर्व में फुटबॉल का मैंने हर एक गाँव हर एक शहर में बड़ा आयोजन होता था। उन बीच में क्रिकेट आने के बाद इसका कुछ प्रभाव पड़ा इस पर कुछ, लेकिन अब फिर से नए जवान हैं, नए लोग हैं, फुटबॉल इंटरेस्ट ले रहे हैं और खेल रहे हैं और इस खेल को आगे बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा खेल फुटबॉल ही है, क्योंकि विलुप्त हो गया था। जहाँ भी मैच हो रहा है या कुआ छपराडी के फील्ड में, यहाँ पूर्व में यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी बने हैं। कुआर के भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, छपराडी के, नरार के, इलाका में फुटबॉल के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी बने हुए, लेकिन धीरे धीरे खेल का प्रभाव कम होते गया। फिर इस खेल का प्रभाव अपने चरम सीमा पर पहुँच रहा है, धीरे धीरे जगह पर आ जाएगा। मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार, मैं समाज सेवी हूँ, मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ। फुटबॉल मैच हो रहा है कई मतलब कई सालों से हो रहा है, तो आप किस स्तर से इसको आप देख रहे हैं और अपने स्तर से इसे आप कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? यहाँ छपराठी गांव में जो फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है, मैं सबसे पहले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के नौजवानों ने 4 साल पूर्व ही यहाँ फुटबॉल मैच छोड़ दिया गया था गाँव के ग्रामीणों के द्वारा। यहाँ क्रिकेट का मैच का ही आयोजन किया जाता था नौजवानों लड़कों के द्वारा। मैं नौजवान कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूँ कि छोटे से इलाका में इतने सुंदर फुटबॉल मैच का आयोजन इन लोगों ने किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आगे सभी नौजवान को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छे ढंग से फुटबॉल मैच खेले और इनको मैं जिला से लेकर राज्य स्तर तक मैच खेलने के लिए मैं प्रयासरत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दें। मैं खजौली प्रखंड जितेंद्र कुमार भारती जिला परिषद सदस्य मधुबनी नरारपुरवी कुमार। चूँकि ये जगह 3 पंचायत का केंद्र बिंदु है, कार्यस्थल महुआ एकडारा पंचायत में पड़ता है ये जगह, टूर्नामेंट का जगह। बहुत पहले तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन फिलहाल जो जिला परिषद जी ने कहा है 2-4 साल से मैच बंद था, यहाँ के नवयुवक, यहाँ के समाज के सभी वर्ग के लोगों का अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके लिए हम सभी समाज के प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को और समाज के सभी वर्गों को इस भव्य आयोजन के लिए
धन्यवाद देते हैं अपनी तरफ से, अपने प्रखंड की तरफ से और अपने पंचायत की तरफ से।